और नई शिक्षा नीति को लेकर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कवलपार गुर्जर भी इसमें मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2025 तक पूर्ण रूप से लागू कर दी जाएगी। अहम बैठक चंडीगढ़ में। कैसे काम करना है और क्या क्या अपने यहाँ परिवर्तन करने हैं उसके ऊपर एक चिंतन बैठक लगातार शिक्षा विभाग की चल रही है। थोड़े पहले भी विभाग के लोगों ने अपने लेवल पर मीटिंग की थी। आज जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, उन सब लोगों ने जो कुछ चिंतन किया था उसके ऊपर एक रिव्यू मीटिंग आज रखी थी और बहुत से परिवर्तन ऐसे नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो हो रहे हैं उसके काफ़ी पहलू तो हमने पहले कर लिए, कुछ और अभी निकट भविष्य में कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ एक मिडल टर्म के नाते से कुछ लॉन्ग टर्म के नाते से कुछ बनाए गए हैं। हमें लगता है कि 2025 तक हम जो एजुकेशन पॉलिसी अपने आप पूर्ण रूप से लागू कर देंगे। हालांकि देश भर में इसका टारगेट 2030 रखा गया, लेकिन 5 साल पहले ही इस पॉलिसी को लागू कर देंगे और इसके अंदर यानी 3 साल से लेकर के और हायर एजुकेशन के लेवल तक एक बहुत ही समन्वय तरीके से और सारी एजुकेशन को किस प्रकार किया जाए ताकि एजुकेशन रोजगार तक बने, संस्कार क्षम बने और एजुकेशन में रिसर्च के नाते से भी बहुत चीज़ें जुड़ी गई हैं ताकि हर समय होने वाले जो युवाकारी परिवर्तन होते हैं उनको शिक्षा क्षेत्र के अंदर कैसे कैसे जोड़ दिया जाए, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें की गई। नए पहलू के नाते से अभी 2 यूनिवर्सिटीज़ में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और रोहतक यूनिवर्सिटी उसके अंदर KG to PG ऐसी शिक्षा का पठन करने के लिए हमने निर्णय लिया है। और जहाँ तक प्राइवेट एजुकेशन और सरकारी एजुकेशन है मिल करके और इस प्रकार का एजुकेशन का सिलसिला आगे बढ़ाएं ताकि शिक्षा क्षेत्र तक हरियाणा का नाम आगे बढ़े और हरियाणा जो शिक्षा का हब बन सके। इस प्रकार की सारी योजना हमारे जिला डिपार्टमेंट ऑफ उत्सव और हायर एजुकेशन काउंसिल जिसके चेयरमैन हमारे बी के कुठियाला जी हैं, उन लोगों ने मिल करके इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए।